राजस्थान में अलवर के रामगढ़ के अंदर भी उपचुनाव किए जा रहे थे और इस उपचुनाव के अंदर भी भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा के कौन से प्रत्याशी थे मैदान के अंदर और कितने वोटों से उन्होंने विपक्षी पार्टियों को मात दी है, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह 13,636 वोट से जीते हैं। बैलेट पेपर के वोट अलग से हैं। दो राउंड की काउंटिंग पहले से ही कांग्रेस प्रत्याशी आरएन जुबेर काउंटिंग हॉल छोड़ करके कार्यकर्ता के पास चले गए। उन्होंने हॉल से निकलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता अमनदीप को बधाई तक दी थी। खुद ने कहा कि हमने और पूरी टीम व कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, एक तरह से दो सरकारों के सिस्टम के सामने चुनाव लड़ा। उनके जाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह आए। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है, सबके लिए बराबर प्रयास करेंगे। गौ तस्करी व टटलूबाजी सहित अन्य मुद्दों से जनता को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं उनके बाद में वन मंत्री संजय शर्मा भी आए, जिन्होंने कहा कि सुखवंत की सादगी, भजनलाल सरकार के 11 महीने के काम व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से जीत मिली है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।